रीना, ये अरविंद केजरीवाल जो पुराने अवतार में आ गए, मुझे पता है आप आतिशी पर भी बोलना चाहेंगी, बोलिएगा, पर ये भी बताइए, जब अरविंद केजरीवाल पुराने अवतार में लौट गए, सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी, किसके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होने वाले हैं वो? उनका टारगेट बीजेपी रहेगा या फिर जहां जहां जिस जिस राज्य में जाएंगे वहां वहां रूलिंग पार्टी और जो भी चैलेंजर होगा वो उनके निशाने पर होगा? धन्यवाद मानक जी, बहुत खुशी का दिन है दिल्ली के लिए भी और देश के लिए भी कि इतनी पढ़ी लिखी इतनी काबिल महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है, और सिर्फ इस वजह से कि वो काबिल है, इस वजह से नहीं कि उनके माँ कौन है, उनके माँ बाप कौन है या उनके पति कौन है, सिर्फ अपनी प्योर काबिलियत की वजह से आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। लेकिन शिवम त्यागी जैसे लोगों ने उनके माँ बाप की बात करके अपना असली कैरेक्टर दिखा दिया, जैसे कि इनके नेता पूरे 10 साल से सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, किसका पिछला क्या है, अगला क्या है, प्रेजेंट में रहिए, यही सारी गाली गलौज की वजह से आपको इस बार देश की जनता ने कितनी सीट दी है ये आप भी जानते हैं। और आपको जहां तक दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी हमेशा से सारे करप्ट लोगों के लिए चुनौती रहे हैं, हमेशा से उन्होंने मुद्दों की बात करी है, उन्होंने हमेशा से ये कहा है कि हमारा देश तब आगे बढ़ेगा जब हमारे देश में बढ़िया स्कूल बनेंगे, हमारा देश जब आगे बढ़ेगा जब हमारे देश में बढ़िया अस्पताल बनेंगे। 25-25 साल ये लोग एक स्टेट में राज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, दो स्कूल दिखा दें मुझे उस स्टेट के, एक ऐसा शहर दिखा दें जहां 24 घंटे बिजली आती हो, एक ऐसा शहर दिखा दें जहां महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलती हो, एक ऐसा स्टेट दिखा दें जो कि जिसका फिस्कल मैनेजमेंट दिल्ली के बराबर बढ़िया हो। तो हम तो हमेशा से काम की राजनीति करते आए हैं। आतिशी जी अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्टूडेंट है, वो ही काम की राजनीति को वो आगे बढ़ाएंगी, और बाकी इस समय फोकस पूरा हरियाणा पे है कि किस तरह से हरियाणा का चुनाव बढ़िया से लड़ा जाए, हरियाणा का चुनाव करने के बाद उसके बाद दिल्ली पे फोकस स्टार्ट होगा। और इस बार मैं आपके शो पे मानक भाई दावे के साथ कह सकती हूं कि पहले तो 2-4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ भी गई थी, इस बार दिल्ली में 70 की 70 सीट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे आएंगी, आम आदमी पार्टी के लिए आएंगी, क्योंकि लोगों ने देखा है कितने भी इन्होंने कीचड़ उछालने की कोशिश करी, लांछन लगाने की कोशिश करी, पहले कहते थे ये भी करप्ट है वो भी करप्ट है, पार्टी टूटने जा रही है थी, अरे भाई अगर आप करप्ट नहीं है तो जमानत क्यों नहीं मिल रही, जमानत मिल गई, अरे भाई जमानत ही तो मिली है, अब इस्तीफा क्यों नहीं देते, इस्तीफा क्यों नहीं देते, इस्तीफा दे दिया तो आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो बहरहाल इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा ओके, अब देखिए केजरीवाल जी ने जो गूगली फेंकी है ना वो इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको कैसे खेला जाए। ओके, आप जो कहते हैं ना हम नई तरह की राजनीति करते हैं, नई तरह की राजनीति करते हैं, अरे आपने भी तो बिल्कुल वही किया जो बीजेपी करती है या कांग्रेस करती है। चुनाव से 4-5-6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलकर सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कोशिश की जाती है, या फिर जो दाग लगे हैं वो धोने की कोशिश की जाती है, आपने भी तो वही किया है, मान लीजिए बिल्कुल वही मॉडल है। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप हरियाणा और दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए, हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे ही दिल्ली का चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा में आज खट्टर साहब का कोई नाम ले रहा है? आप बताइए, खट्टर साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था, उनको हटाया गया था। देश के इतिहास में एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसने अपने आप इस्तीफा दिया हो, जिसका 90% बहुमत हो। एक मुझे एग्जांपल दे दीजिए पूरे देश में जिसने मुख्यमंत्री ने खुद इस्तीफा दिया हो। डंके की चोट पर इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, चपरासी की नौकरी। लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद आपको समझ में आया इस्तीफा देने में ही समझदारी है? हार गए आप 7 सीटें दिल्ली की, पंजाब में 3 सीट मिली आपको, कांग्रेस ने आपको वहां भी पीछे छोड़ दिया। लोकसभा का चुनाव विधानसभा का चुनाव दोनों अलग अलग बातें हैं। लोकसभा में मैं आपकी बात से सहमत हूं, हमारा रिजल्ट बढ़िया नहीं रहा, जनता तक हमारा मैसेज नहीं जा पाया, या जनता को लगा कि शायद केंद्र की सरकार में हमारी इतनी इंपॉर्टेंट स्पेस नहीं है, अभी नई पार्टी है। लेकिन दिल्ली के बारे में मैं मानक जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूं, दिल्ली के बारे में मैं आपको कह सकती हूं फुल कॉन्फिडेंस है, 70 की 70 सीट आने वाली है इस बार दिल्ली। और अकेले आएंगी ना, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं होगा दिल्ली में, अकेले आएंगी 70 की 70 सीट। बहुत बढ़िया, ये कांग्रेस पार्टी
केजरीवाल जी के मुद्दे पर, आतिशी के मुद्दे पर कुछ बोल ही नहीं रही है। सारे लोग बधाई दे रहे हैं आतिशी जी को, केजरीवाल जी को बधाई दे रहे हैं कि जेल से छूट के आ गए वो, और बधाई दे रहे हैं इस्तीफा दे दिया उन्होंने। कांग्रेस डिबेट में भी नहीं आ रही, क्यों? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। ये तो कांग्रेस से पूछिए आपकी कांग्रेस डिबेट में क्यों नहीं आ रही। कमाल है, रिश्ता आप ही से है उनका, ऐसा अजीब सा रिश्ता है, आज तक कोई नहीं समझ पाया, आज भी सिर खुजा रहे हैं लोग। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिश्ता है क्या? अभी भी वहीं खड़े हैं जहां 10 साल पहले खड़े थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इस देश में जो घृणा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाह रही है उसके खिलाफ है। इस तरह के मुद्दों पे हम हमेशा साथ रहेंगे, आवाज उठाएंगे। ये जो मंगलसूत्र, मटन, मुगल की पॉलिटिक्स है, इसके हम खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में बढ़िया राजनीति हुई है, जिस तरह से दिल्ली में काबिल लोग दिल्ली की कमान को संभाल रहे हैं, ये इस वजह से नहीं कि किसी के बेटे हैं या किसी के बहू हैं या किसी के भाई हैं या किसी बहन में। अभी आप हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बहू बेटियों को, भाइयों को। अच्छा, हरियाणा में 20 साल का शासन गिनाएंगे ना आप? 20 साल का कुशासन, 10 साल का नहीं ना, 20 साल का कुशासन। बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाह रहा था। यानी कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा के शासन में भी हरियाणा में कुशासन था ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और शीला दीक्षित के काल में 15 साल दिल्ली में कुशासन था ना? जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। देखिए यही रीना, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं यही सुनना चाह रहा था कि कांग्रेस का दिल्ली का 15 साल का शासन, हरियाणा का कांग्रेस का 10 साल का शासन भूपेंद्र हुड्डा का, वो सब आपके टारगेट पर रहेगा। बहुत बढ़िया।